अगर आप आसान और झटपट बनने वाली टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो बस आगे और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। यह कुरकुरी और स्वादिष्ट स्नैक्स वैसे तो दिन में कभी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चाय के साथ खासकर बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। सो लेट्स गेट कुकिंग। हम एक कप मीडियम मोटा पोहा लेंगे और इसे दो बार बहुत अच्छे से धो लेंगे। फिर एक चौथाई कप पानी डालकर पोहे को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रहने देंगे। इससे पोहा फूल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। चलिए तब तक एक पैन में आधा कप बेसन को हम एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का हल्का भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, पोहा को खोल कर देखते हैं। पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें हम बेसन को डाल देते हैं। और अब एक बनाएंगे छोटा सा तड़का। एक छोटा चम्मच तेल लेंगे, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग और एक हरी मिर्च बारीक काट कर। जब यह सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए तब इस तड़के को हम पोहा बेसन के मिश्रण में ऐड कर देंगे। और इसे जायकेदार बनाने के लिए अब इसमें हम डाल रहे हैं करीब एक चौथाई कप बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई छोटा चम्मच और लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इन सारी चीज़ों को हम मिलाते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे। जैसा हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें गूँथ लेना है। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सोल फ्लेवर के शुद्ध मसाले यूज़ किए हैं। सोल फ्लेवर के शुद्ध मसाले हल्दी धनिया मैं नॉर्मली हर रेसिपी में ही यूज़ करती हूँ और आज की रेसिपी में मैंने सोल फ्लेवर का गरम मसाला यूज़ किया है। यह मसाले शुद्ध हैं और बहुत ही खुशबूदार हैं और खाने का स्वाद काफ़ी बढ़ा देते हैं। आप भी अगर सोल फ्लेवर के शुद्ध मसाले खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक शॉप का लिंक दिया हुआ है, वहां आपको मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप सोल फ्लेवर के मसाले खरीदना चाहें या मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ कॉल करके भी आप मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इससे हम छोटा छोटा नींबू के आकार का लोई जैसा काट लेंगे। यह आप बड़ी या छोटी जैसा आप चाहें वैसा काट सकते हैं। इसे इस तरीके से हम थोड़ा सा पेड़े जैसा शेप दे देंगे और इनसे भी हम नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आज यहाँ डिज़ाइन करने वाली हूँ। हम सबके घर में कांच का ग्लास होता ही है और कांच के ग्लास के पीछे अक्सर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी होती हैं। तो हम एक कांच का ग्लास लेंगे और इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि यह ना चिपके। और अब एक पेड़ा लेकर उसके ऊपर हम इस कांच के ग्लास से स्टैम्पिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाएगी। यह बिल्कुल एक फूल जैसा लग रहा है। इस तरीके से हमने सारे नाश्ते के ऊपर डिज़ाइन की स्टैम्पिंग कर ली। सारे नाश्ते हमने तैयार कर लिए। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल चढ़ाएंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसमें हम एक एक करके नाश्ते को डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसे हमें ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा खुला खुला रखते हुए ही इसे हमें मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई होने देना है। करीब एक डेढ़ मिनट बाद इसे हम एक बार पलट देंगे। हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं पलटना है। एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह उलटते पुलटते हुए इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर दूसरे लॉट को भी डालकर इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यह हमारा बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो गया। इसे आप किसी भी तरह की चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। यह मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत क्रिस्प है और चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।